नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवाम भागं पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनम। बाबा जी ने कहा कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहार। कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि रामकथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही बन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार कर रहे हैं। रामचरित्र से तामन चारु, कहते हैं बाबा जी कि रामचरित्र चिंतामन चारु संत सुमत तिय शुभग सिंहारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दान द मुक्ति धन धर्म धाम के सदगुर ज्ञान भी राग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सी राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। कहते हैं बाबा जी किसी रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की शुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले। कहते हैं बाबा जी ज्ञान वैराग्य युग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूप भयंकर रूप का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान ऐसे सीताराम जी के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण धर्म के और नियमों के बीच है। कहते हैं आगे बाबा जी ने बहुत सुंदर सुंदर रामचरित मानस में इतनी सुंदर सुंदर उन्होंने चौपाइयाँ लिखी हैं कि पूछिए मत, क्योंकि बाबा जी ने तो ये लिखा नहीं है, इसको तो श्री शिव जी और माँ गौरा पार्वती जी ने अपने साक्षी रूप में बैठ के लिखवाया है। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से सभी का वध करवाया महाभारत काल में, उसी प्रकार से शिव शंकर जी भगवान बैठ के तुलसी बाबा से यह रामचरित मानस का सुंदर सा एक ऐसा ग्रंथ लिख के पेश कर दिया कि जो पढ़ेगा यह अमृत के समान है। शमन पाप संताप शोक के प्रीपालक पर लोक लोक के सचिव सुभट भूपत विचार के कुंभज लोक उदधि अपार के काम कोह कली मल करिगन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रीतम पुरार के काम घन दारिद्र दवार की। कहते हैं बाबा जी कि पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इन लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं, विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। कहते हैं भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी की पूज और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दवा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। कहते हैं बाबा जी
कि मंत्र महामनि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाल जल धर से। कहते हैं आगे कि अभिमत कि अभिमत दान देव तरु बर से सेवक सुलभ सुखद हरि हर से सुकवि शरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन। कहते हैं कि विषय रूपी सांप का जहर मंत्र महामनि विषय व्याल की कि विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। यह ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटाने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने में मेघ के समान है। कहते हैं बाबा जी कि मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुखद देने वाले हैं। सुख कवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण की समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृति फल भूरि भोग से जग हित निरूपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पामन गंग तरंग माल से। कहते हैं बाबा जी संपूर्ण पुण्य को फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ ही करने में साधु संतों के समान है। सेवक के मन रूपी मन सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। कहते हैं श्री राम जी कि गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्ग कुचाल कलयुग के कपट दम्भ और पाखंड की जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काम सज्जन मुक्त कुमुद सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाव। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक। रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ ऐसा पाठ बाबा जी ने लिख दिया है इसको अगर कोई भी श्रवण करता है तो हर एक प्रकार का उसको लाभ होगा। जिसके लिए जो करता है वो मिलेगा जो कि सत्य है। सत्य है ये कि शिव शंकर जी की वाणी है। जय जय श्री सीताराम।